नारेबाजी के दौरान आपस में उलझे कांग्रेस कार्यकर्ता, शनिवार को हुआ जोरदार हंगामा। उदयपुर शहर के चेतक स्थित सूचना केंद्र के बाहर चुनाव पर्यवेक्षक मुरारी लाल मीणा और भजन लाल जाटव ने एक बैठक आयोजित की। बैठक जैसे ही खत्म हुई सभी कार्यकर्ता बैठक के बाहर निकले। इसी दौरान कांग्रेस के दिनेश श्रीमाली और राजीव सुहालका के समर्थन में नारे लगने लगे। नारे लगाते लगाते कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि मौके पर उपस्थित पुलिस जवानों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। आपको बता दें कि राजस्थान में होने वाले चुनावों को लेकर अब गर्मा गर्मी का माहौल बनता जा रहा है और इसी को लेकर उदयपुर शहर में कांग्रेस से टिकट की दावेदारी को लेकर अब तक 28 उम्मीदवारों ने अपना आवेदन दे दिया है। कार्यकर्ताओं में उदयपुर शहर में टकराव नहीं, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कांग्रेस शहर में उदयपुर की जीत नजर आ रही है। ये टकराव नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का जोश है। जिस तरह से आप देख रहे हैं हुजूम उमड़ रहा है कार्यकर्ताओं का, और खासकर हमारे सभी आवेदनकर्ता, जितने आवेदनकर्ता हैं उनके साथ में आए हुए कुछ युवा हैं, और सभी अपने अपने प्रत्याशियों के साथ आए हैं। और पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगी, कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर उस प्रत्याशी को जिताएगी किसी भी हालत में। शहर मंत्री के सामने आपस में लड़ रहे हैं भाई साहब, भाषा का उपयोग हो रहा है, हाथापाई हो रही है, तो ये आपको नहीं लगता ये जोश जो है पार्टी के खिलाफ जाएगा? नहीं नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल कोई हाथापाई नहीं हुई है, और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है। इतना युवा में, युवा जितने जुड़ेंगे तो युवा में थोड़ा जोश तो होना चाहिए। लेकिन मैं उन युवाओं को भी कहना चाहता हूँ खासकर कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखें, अनुशासन बहुत जरूरी है। जिस पार्टी में अनुशासन नहीं होगा वो पार्टी नहीं चलेगी। भारी प्रत्याशी का भी यहाँ पे विरोध जो है वो देखा गया है, तो क्या लगता है कि इस बार उदयपुर पे भारी प्रत्याशी को थोपा जाएगा? सर मैं स्वयं भी कह रहा हूँ आपको कि उदयपुर शहर में कोई भी लोकल प्रत्याशी होना चाहिए, बिल्कुल उदयपुर शहर से होगा तो कार्यकर्ताओं में आज आपको जितना जोश नजर आ रहा है उससे 50 गुना उस आदमी को जिताने के लिए लगेंगे। कांग्रेस पार्टी उदयपुर शहर में जीत रही है, सब मिलकर के कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सब मिलकर के। जी भाई साहब, जो आपस में भिड़े हैं आज समर्थक,
देखिए ये झगड़ा बहुत, पार्टी नहीं चाहती कि झगड़ा हो, हम कार्यकर्ता अनुशासन में रहने चाहते हैं, मगर ये टिकट का झगड़ा है जो आज हम देख रहे हैं कि शुरू से हम 25 साल 30 साल से हम जो जिन नेताओं को देख रहे हैं, हमारे सीनियर को देख रहे हैं, वो उदयपुर शहर में भीड़ ले जाने का काम करना, या जयपुर भीड़ ले जाने का काम करना, राहुल गांधी के कार्यक्रम में हम भीड़ ले जाने का काम करना, या कलेक्ट्री पर केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे हम सब कार्यकर्ता और हमारे नेता हम आए दिन धरना प्रदर्शन में भाग लेना। हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि बाहरी कैंडिडेट क्यों, आज आदरणीय गौरव वल्लभ जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो वो एमपी के चुनाव के लिए है सुरक्षित, विधानसभा के लिए तो एक कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए। उदयपुर शहर में कार्यकर्ता की कमी है क्या? हम आए दिन उदयपुर शहर में राजस्थान की जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने जो योजना बनाई है, इतनी योजना चली है और जनता का मानस है कि फिर से राजस्थान में कांग्रेस सरकार को काबिज करे, मगर इस तरह से माहौल खराब करने का हमारे बड़े नेताओं का हाथ है, क्योंकि उनको उन्होंने हमें यहाँ पर हमारे प्रत्याशी थोपे जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि गौरव वल्लभ जी को तो कहीं पे भी लड़ा लो ना, उदयपुर शहर में तो कार्यकर्ता की सीट है, जो कार्यकर्ता बरसों से मेहनत कर रहा है और बरसों से पार्टी के लिए काम कर रहा है वो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा। मैं तो आदरणीय बड़े नेताओं को कहना चाहता हूँ जिन्होंने इन यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेज रहे हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि हम कार्यकर्ता के लिए ये सीट हम चुनाव जीतेंगे, यहाँ का कार्यकर्ताओं का तो चुनाव जीतेंगे, इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर बाहरी प्रत्याशी नहीं करें जी, ये माहौल खराब होगा और आगे भी इस तरह से आपस में भाई भाई झगड़ने लग जाएंगे, कार्यकर्ता झगड़ने लग जाएंगे। ठीक है।